राज्य सरकार के ढाई वर्ष के कार्यकाल में अजमेर जिले के सभी विभागों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर गौरव गोयल की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में तमाम संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान पीएचईडी, डिस्कॉम और पीडब्ल्यूडी सहित एडीए की सभी बड़ी योजनाओं की समीक्षा की गई और जिन विभागों में आपस में समन्वय नहीं होने के चलते प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उनका भी हाथों हाथ निपटारा किया गया। कलेक्टर ने सभी बड़ी योजनाओं सहित सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की। कलेक्टर ने कायर विश्राम स्थली पर व्यवस्थाओं का रिव्यू किया और व्यवस्थाएं देखने के लिए एक टीम भी रवाना की। वहीं जिला कलेक्टर ने सिटी राउंड के दौरान क्वालिटी कंट्रोल टीम द्वारा चेकिंग के दौरान शहर के नवनिर्मित चार महत्वपूर्ण सड़कों के सैंपल फेल हो जाने पर संबंधित अभियंताओं को ठेकेदार फर्म के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। कलेक्टर ने सैंपल में फेल हुई सड़कों के पुनर्निर्माण के आदेश भी जारी किए हैं। जो जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, बड़ी योजनाएं हैं, फ्लैगशिप स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उनके जिले के क्रियान्वयन की आज मंडी मीटिंग में समीक्षा की गई। और विशेष रूप से जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, पीएचईडी के ड्रिंकिंग वाटर के प्रोजेक्ट्स हैं, विद्युतीकरण के प्रोजेक्ट्स हैं, रोड्स के प्रोजेक्ट्स हैं, उनका रिव्यू किया गया। जहाँ समस्या आ रही है, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के इश्यूज़ हैं, वहाँ उनका निपटारा किया गया। और साथ ही सड़कों की कुछ जनरल शिकायत आने पर और सिटी राउंड लिया था उसमें भी अपेरेंटली देखने पे गुणवत्ता अच्छी नहीं पाई गई थी, उनके क्वालिटी कंट्रोल टीम से चेकिंग कराई गई और शहर में चार विभिन्न सड़कों पे क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में वो सड़कें फेल हुई हैं, तो वहाँ संबंधित अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई और ठेकेदार के माध्यम से उन सड़कों का पुनर्निर्माण करने के निर्देश।